हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग नेटवर्क। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनविजिबल बॉय मूवी को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। यह एक साईफाई फैंटेसी फिल्म है और इसे आईएमडीबी पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी दी जा चुकी है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए स्टूडियो में आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक पागलखाने से, जहां पर एक पागल दीवारों पर एक मैप बना रहा था। तभी अचानक से इस आदमी की मैप बनाते हुए डेथ हो जाती है। तभी एक आदमी वहां पर आता है, ये वही था जिसने इसे मैप बनाने के लिए यहां पर लाया हुआ था। वो एक शहर का मैप बना रहा था क्योंकि उसे किसी को ढूंढना था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल था। उसकी एक क्लासमेट थी जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करता था और उसके साथ आज उसकी पार्टी थी। उसने ये बात अब तक उसे नहीं बताई थी कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिला था। वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस अपने फोन में बनाता रहता था और उन्हें देखा करता। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उनके स्कूल में आती है और उन्हें बताती है कि तुम सब जानते ही होंगे कि तुम्हारा एक क्लासमेट गायब है, जो कि बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। ये पुलिस ऑफिसर जो कि यहाँ पर क्लास में आई हुई थी, वो माइकल की मॉम थी। माइकल उस क्लास में ही बैठा हुआ था, तभी उसके नाक में से अचानक से खून निकलने लगता है। वो वॉशरूम में आ जाता है। उसके क्लासमेट्स उसे काफी ज्यादा तंग किया करते थे, उसे वो वॉशरूम में भी तंग करते है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरीफ था और उसे बात भी ढंग से करती नहीं आती थी। और जो उसे तंग करता था वो उससे लड़ भी नहीं पाता था। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो ये चाहता था कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए कि मैं इन सभी को सबक सिखा सकूं, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि उसके में हिम्मत ही नहीं थी। अब माइकल आज रात के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके क्रश के घर पार्टी थी। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग तरह की वो कॉस्ट्यूम देखने लगता है। तभी एक छोटा बच्चा वहां पर आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिखाता हूँ। वो उसे बताता है कि ये एक चाइनीज ड्रेस है। माइकल उससे पूछता है कि मैं क्या इस ड्रेस को पहनकर अच्छा लगूंगा। तभी वो का उसे बताता है कि तुम अच्छे भी लगोगे और तुम्हारे अंदर कई सारी पावर्स भी आ जाएंगी। माइकल ये सभी चीजें मजाक समझ रहा था और वो घर आ जाता है उस कॉस्ट्यूम के साथ। वो घर आकर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था, तभी उसकी मॉम घर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों है। तभी वो उसे बताता है कि पार्टी में बच्चों ने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखो। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहना। वो उसे बताती है कि तुम कभी भी किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करना, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, क्योंकि माइकल के फादर की अब डेथ हो चुकी थी। उसकी मॉम अकेले ही उसे संभालती थी और माइकल अभी भी अपने फादर को याद किया करता था। माइकल तभी उसकी मॉम को कहता है कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो वो उन बच्चों को सबक जरूर सिखाते। तभी पार्टी का टाइम हो जाता है और माइकल तैयार होकर उस पार्टी में जाता है, मगर सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते है। वो उसे बताते है कि हम जानते है कि तुमने उस लड़की की पिक्चर्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी है, तुम उसे पसंद करते हो हमें ये पता है, लेकिन तुम उसकी सीक्रेटली पिक्चर्स लिया करते हो, ये तो गलत बात है। जिसके बाद वो सारे बच्चे सभी के सामने उस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस वहाँ पर चलाने लगते हैं, जिस वजह से वो लड़की माइकल पर गुस्सा होने लगती है। वो जिस वजह से अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। सभी बच्चे उसे बोलते है कि क्या तुम डर गए हो, अपने आप को वॉशरूम में कैद क्यों किया है, और वो सभी उसे मजाक उड़ाने लगते है कि एक लड़का एक लड़की से डर गया। वो बाहर नहीं जाना चाहता था उन लोगों के सामने। तभी वो शीशे में देख से ही बातें करने लगता है कि उस लड़के ने कहा था कि ये कॉस्ट्यूम पावरफुल है, तो बताओ कॉस्ट्यूम क्या पावर है तुम्हारी, क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो। तभी वहाँ की लाइटें चली जाती है। जैसे ही लाइटें आती है वैसे ही बताया जाता है कि माइकल गायब हो चुका था सच में। तभी बताया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल सुबह में उठता है, वो ब्रश करने जाता है तो गायब होता है। माइकल ये देख काफी ज्यादा खुश होता है और ये सोचने लगता है कि उसे हेल्प मिली है, अब मैं अपने क्लासमेट से बदला ले सकता हूँ जब चाहे तब। तभी वो अपने स्कूल जाने लगता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो कि उसे ऑब्जर्व करता है, लेकिन माइकल अपने क्लास में चला जाता है। वो किसी को नजर नहीं आ रहा था, वो इस चीज का काफी फायदा उठाने लगता है। वो टीचर पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और गन थमा देता है, जिस वजह से टीचर को लगता है कि उसने ये काम किया है। ये लड़का भी उसे सताया करता था, जिस वजह से टीचर उसे चिल्लाती और अपने क्लास से बाहर निकाल देती है। वो और भी बच्चों से अपना बदला लेता है और फिर बताया जाता है कि और दो बच्चे मिसिंग थे स्कूल से, जो कि मिसिंग होने से पहले उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था।
उन्होंने ये कहा था कि हम अपने घर से तंग आ गए थे और बाकी चीजों से भी हम अकेले रहना चाहते हैं, जिस वजह से उनके स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आता है और उन्हें समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो। वो उन्हें बताता है कि पेरेंट्स हम सबके लिए बहुत जरूरी होते हैं और वो हमारा भला ही चाहते है। तभी माइकल ये नोटिस करता है कि वो फिर से गायब होने वाला है, जिस वजह से वो वहां से उठकर भाग जाता है। लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि माइकल को उस साइकेट्रिस्ट की बात बुरी लगी। तभी वो अपनी बहन के पास आता है, वो देखती है कि उसके भाई के कपड़े वहां पर थे लेकिन उसका भाई जैसे कि गायब हो गया हो। वो बोलती है कि भाई आप तो सुपर हीरो हो, जिस वजह से वो जोर से बोलने लगती है, जिस वजह से वो उसके चेहरे पर उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वो उसे बताता है कि ये बात तुम किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने जब से वो कॉस्ट्यूम लिया था तब से मैं इनविजिबल होने लगा हूँ। तभी वो ये सुनता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही थी, तभी वो इनविजिबल होकर उसकी मॉम की बातें सुनने लगता है। तभी माइकल को उसकी मॉम की बातें सुनकर ये पता चलता है कि वो उसका असली बेटा नहीं है बल्कि वो एडॉप्टेड है। उसे काफी ज्यादा दुख होता है, वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसके सामने से गुजर कर गया हो। माइकल एक पार्क में झूला झूल रहा था, तभी एक लड़की उसे देख लेती है और वो उससे बातें करने लगती है। उस लड़की को माइकल नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वो उससे बातें करने लगती है और वो दोनों दोस्त हो जाते हैं। और वो ये सोचने लगता है कि मैं उससे बता दूं कि मैं वो वही माइकल हूँ जिससे वो बातें करती है जो कि गायब होता है, लेकिन वो फिर से डर जाता है। लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उसे बताने के लिए जाता है, लेकिन रोड पर एक आदमी उसके सामने उस लड़की को किडनैप कर लेता है। माइकल उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। उसकी आंख खुलती है, वो लड़की देखती है कि वो एक डॉक्टर के पास है। वो कुछ डॉक्टर लोग उसकी आंखें और मुंह चेक कर रहे थे, ये पता लगाने के लिए वो उसे यहाँ पर लाए थे कि कहीं ये बच्चा वही तो नहीं कि जो इनविजिबल होता है, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो मेल है या फीमेल। जब उन्हें पता चलता है कि ये वो बच्चा नहीं जो इनविजिबल होता है, इस वजह से वो उसे बाकी दो बच्चों के साथ छोड़ देते है जो कि क्लास में से अचानक से गायब हो गए थे। ये वही बच्चे थे, इन्हें भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया था। तभी माइकल ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी वो उसे बचाने के लिए जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जाता है वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसका कॉस्ट्यूम धो दिया है, जिस वजह से उसमें अब वो पावर नहीं रही थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम को कई सारी बातें सुनाता है कि आप तो यही चाहूंगी कि मैं आगे ना बढ़ूं, वैसे भी आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। ये कहते हुए वो बहुत ही तेजी से साइकिल चलाते हुए समुद्र किनारे आ जाता है। उसकी मॉम को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो जैसे ही उस सी साइड के पास आता है वहाँ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे ऑब्जर्व किया था पहले। वो उसे बताता है कि मेरे पास भी यही पावर्स है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर ये पावर्स इसलिए आई क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही गायब हो सकती थी। वो उसे बताता है कि कई सालों पहले मैं रशिया में रहा करता था लेकिन वो जगह तबाह हो गई, वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिस वजह से कुछ लोगों में वहाँ पर सुपर पावर्स आ गई थी। तभी सभी सुपर हीरो सुपर पावर्स वालों की टीम बनाई गई, उन्हें जो लीड करता था वो काफी ज्यादा जालिम था जो कि हमारी पावर्स को यूज किया करता था। उसने हमें कैद कर रखा था और उसने हमें कैद भी कर लिया था और वही बारी मैं तुम्हारी मॉम से भी मिला था पहली बार, और जब तुम पैदा हुए तब हमने सोचा था कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, हम तुम्हें लेकर वहाँ से भाग गए लेकिन हमारे उस क्रूर लीडर के कुछ लोग हमारे पीछे लग गए, लेकिन हमें बचाने के लिए तुम्हारी मॉम ने कुर्बानी दे दी और हम वहाँ से चले गए, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा अकेले ख्याल नहीं रख सकता क्योंकि हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, जिस वजह से मैं खुद ही तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर के रख कर आया था ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह कभी भी ना हो। तभी माइकल उस आदमी को बोलता है कि ये पावर मेरे अंदर पहले से ही थी ना कि उस कॉस्ट्यूम से आई थी। तभी वो बोलता है कि हाँ मेरे बेटे ये पावर तुम्हें हमसे मिली है, और वो उसे बताते है कि मैं माइंड्स भी पढ़ सकता हूँ जिस वजह से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैंने जिस औरत के पास तुम्हें छोड़ा था वो काफी ज्यादा अच्छी है और तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है, तुम उनसे माफी मांग लेना। तभी उसकी मॉम ढूंढते हुए उसे वहां पर आ जाती है और तभी वो उनसे माफी मांग लेता है जैसे कि उसके फादर ने कहा था। तभी वो खुश हो जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आकर वो देखता है कि एक वही साइकेट्रिस्ट उसके घर में बैठा हुआ था जो कि जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो उससे कई सारे राज उसके उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन माइकल वहां से भाग जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़की बताई जाती है जो कि माइकल को पसंद करने लगी थी। वो तीनों भी वहां पर किडनैप हो चुके थे जिस वजह से वो उस शिप में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो वहां से बाहर आ जाती है और वहां पर एक स्पॉटलाइट उसे नजर आती है जिसका लाइट दूर तक नजर आ रही थी। वो उस
उसे ऑन कर देती है, जिस वजह से माइकल उसे बचाने के लिए आ जाता है क्योंकि वो अब एक सुपर हीरो की तरह बन चुका था। उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, माइकल उसका काम करने गया है और बहुत ही जल्द वो वापस भी आ जाएगा। माइकल अब काफी ज्यादा होशियार हो गया था। वो शिप में जाता है और सभी लोगों को बड़े आसानी से चकमा दे देता है और वो उन तीनों को शिप में से बचा लेता है। वो लड़की तभी उसे बताती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है, तभी वो उसे सेफ्टी के लिए गन दे देता है, लेकिन वो लड़की माइकल को ही गन पॉइंट पर रख देती है। माइकल काफी ज्यादा हैरान और शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि इस लड़की के पीछे किसी और का हाथ है, किसी ने इसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। तभी उसे पता चलता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि पैरालाइज था, लेकिन वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बस वो किसी को एक बार टच कर ले, क्योंकि उसने उस साइकाइट्रिस्ट को भी और इस लड़की को भी टच किया था, इस वजह से वो इन्हें कंट्रोल कर सकता था। वो बूढ़ा आदमी माइकल और उस लड़की को एक सबमरीन में ले जाता है। वो माइकल को किसी और कंट्री में ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके मॉम और फादर वहाँ पर पहुँचते है, लेकिन वो लोग माइकल को वहाँ से ले जा चुके थे, लेकिन वो पावर का काफी ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बड़ी सारी चीजों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और उस आदमी को यानी उस ओल्ड मैन को वहीं पर ही बंद कर देता है। वो उस सबमरीन से उसके फ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसकी मॉम उसे देख काफी ज्यादा खुश होती है। माइकल के सामने कई सारे लोग भी थे, वो उन सभी के सामने गायब हो जाता है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी जरूर है, लेकिन हमें ये दुनिया से छुपानी है, जैसे कि मैंने छुपा रखी है दुनिया से, लेकिन अब याद रखना कि अब से तुम पब्लिक में ऐसा नहीं करोगे और एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम्हें जीना होगा लोगों के सामने, जिस वजह से तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और उसके फादर आगे बढ़ते हैं और सभी की मेमोरी को इरेज कर देते हैं। उन सभी की मेमोरी इस इंसिडेंट के पहले तक की होती है। उन सभी को ऐसा लगता है कि माइकल की मदर उन सभी बच्चों को बचाने गई थी, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी और काफी ज्यादा अच्छी भी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बताया जाता है कि माइकल अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर पहले की तरह वो बच्चे उसे फिर से परेशान करने लगते है, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से वो उन्हें बताता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे तंग ना करो। वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले माइकल ने उससे कभी भी हिम्मत जटाकर ऐसे नहीं कहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा थी और माइकल की छोटी बहन भी है। माइकल के फादर ने उन दोनों को अलग अलग जगह छुपा कर रखा था ताकि ये दोनों सेफ रह सके। अब माइकल की मॉम माइकल को और उसकी बहन को ढूंढ रही थी। इसी के साथ इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो का यही पर एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।